ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज पॉलिटी क्वेश्चंस, 10 पॉलिटी क्वेश्चंस. डू यू थिंक देर इज अ नीड फॉर रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई योर व्यूज. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कोई नीड है रिव्यू के लिए. ओके सो नोबेल लॉरेट जेम्स बुचनन वन सेड इट इज फॉली टू थिंक दैट बेटर मैन इलेक्टेड टू ऑफिस अंटिल मच एज मच विथ बेटर पॉलिसी. वी नीड एंड मस्ट हैव बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिसीडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स एंड डिस्कशन. एक कोट आप दे सकते हो विच इज रिलेटेड टू दिस. ओके अच्छा वन सेकेंड, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था ना. टेस्ट 13 हमारा हो गया था या टेस्ट 12 को हेलो, आता, मुझे याद नहीं आ रहा है. ओके सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोट दोगे तो थोड़ा एनरिच होता है, क्योंकि एक कोट ऐसा था इनका कि वी नीड एंड मस्ट हैव बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिसीडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स एंड डिस्कशन. ओके अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या नीड है, कि कौन क्यों आपको क्या लगता है कि क्या नीड होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू, बीच बीच में रिव्यूज की जरूरत है. तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडेप्टेबिलिटी विथ चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज पे फ्लेक्सिबल भी है. ओके दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट. पिछला जो टेस्ट था यहाँ वहां पे एक पहला क्वेश्चन था कि क्यों वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो उसके जैसा थोड़ा बहुत आप डायमेंशन लिख सकते हो जो पिछले आंसर में हमने लिखा था. इट हैज बीन अमेंडेड न्यूमरस टाइम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बट फ्यू रीजंस ऑफ इट नीड अ रिव्यू. लाइक कहाँ कहाँ रिव्यू होने की जरूरत है. ठीक है ये क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक देर इज अ रिव्यू, नीड ऑफ ए रिव्यू, तो कहाँ कहाँ रिव्यू की जरूरत है. इट्स एलिफेंटाइन साइज, वेले तो काफी बड़ा है. लार्जली अनरेड पास्ट ड्यू टू ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विच गिव्स द गवर्नमेंट टू डू डिलिबरेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो काफी बड़ा है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे प्रोविजंस है. तो उसको अगर कहीं ना कहीं थोड़ा हम छोटा कर दे तो और क्लैरिटी मिल सकता है. ठीक है देखो तो ऐसा ये नहीं कि हम उसको छोटा कर दे मतलब मेन मेन पॉइंट्स को हटा दे, जहां पे जरूरत है थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं. सम प्रोविजंस इंडिकेटिंग टूवर्ड्स गवर्नमेंट एज मास्टर ऑफ पीपल रादर देन पीपल एज मास्टर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक. ओके यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आंसर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. यहाँ पे अगर इफ यू आर नॉट गिविंग एग्जाम्पल्स, आप यू आर राइटिंग इट वेरी नाइसली बट इफ यू डोंट गिव एग्जाम्पल्स हियर सम प्रोविजन इंडिकेटिव, यहाँ पे एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है. क्या इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट एज मास्टर्स ऑफ पीपल रादर देन पीपल एज मास्टर्स ऑफ गवर्नमेंट. तो वॉट प्रोविजन यू आर इंडिकेटिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किसके प्रोटेक्शन में है. इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट. बट फिर भी हर फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस है. ठीक है और खास करके उसी चीज का भी स्टेट यूज कर सकती है. ठीक है हम देखो वो होना भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, बट इस चीज पे हम उसमें और क्लैरिटी ला सकते हैं. ठीक है और क्लैरिटी लाया जा सकता है जब हम प्रोविजन की बात करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पीपल का होना चाहिए. सो हियर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी फैक्टर, इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैक्टर. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैक्टर शुड बी प्रिजर्व्ड मोर. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब स्टेट फुल पावरफुल नहीं है, राइट्स ऑफ द पीपल है अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द स्टेट. तो उसको और अच्छे से हो सकता है, एक चेंज हम ला सकते हैं. ठीक है ओके
और क्या है नॉन, हाँ यहाँ पे भी एग्जांपल देंगे, नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी होते तो हॉलमार्क ऑफ, तो एग्जांपल दे रखा है ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा पॉवर्टी आज भी है। यहाँ पे आपको वो डायमेंशन देना पड़ेगा कि आज में इसी के वजह से क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ फिर भी अभी पॉवर्टी है ठीक है, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन हो नहीं पा रहा है, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन हो नहीं पा रहा है खास करके वुमेन का ठीक है, तो वो सिर्फ सब चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए देखो हम जब नॉन एंड क्वेश्चन पूछा है नीड, क्यों नीड है, ये तो है, क्यों नीड है ये, इसको सॉल्व करने के लिए एनफोर्सेबिलिटी का होना जरूरी है, क्लैरिटी में लिखना पड़ेगा ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट एलोन, ईदर बाई सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, स्टेट्स कांट इनिशिएट एन अमेंडमेंट, वेरी गुड। स्टेट्स, सबसे बड़ी चीज तो स्टेट तो इनिशिएट कर ही नहीं सकते अमेंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और जो मेजर पार्ट लिख रहे तो लिखो आर्टिकल 1 सिटीजनशिप, जो मेन मेन आर्टिकल, आर्टिकल 1 2, आर्टिकल 11 कैन बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट एलोन ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दोगे ठीक है, फिर इस पॉइंट को मेक इट अनदर पॉइंट, और कैसे क्यों, ये सब डायलॉगबाजी नहीं चाहिए यहाँ पे, हमको डायरेक्ट लिखना है पॉइंट, 4 पॉइंट देंगे तो 4 पॉइंट को एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्टेट्स, अनदर पॉइंट में लिखेंगे स्टेट्स का क्या रोल है, फिर अगर कोई स्टेट, क्या स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है, अगर कोई स्टेट को चाहिए तो एटलीस्ट उसका एक तो हक होना चाहिए ना टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, अब पूरी तरीके तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट इनिशिएट का तो दो, मैं ये नहीं बोलूंगी स्टेट को पूरा पावर दे दो, लेकिन स्टेट को एक इनिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ एक होना चाहिए ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कर सकते कि अगर 5 से 10% ऑफ द स्टेट्स, या फिर कोई 5 से 6 स्टेट्स पहले से अगर इस एक पर्टिकुलर चीज पे लेके आ जाए कि हमको ये चेंज है, तो कहीं कहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये नीड है, तो स्टेट इनिशिएट भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक पॉइंट है। तो सेंटर और स्टेट दोनों का एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हक, जिसको हम बोलते हैं दोनों का होना चाहिए, हम सिर्फ अगर एटलीस्ट एक बराबर का होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए हर चीज में, अगर सेंटर को ज्यादा देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ठीक है। फाइन, तो हर चीज में अगर हम सेंटर को पूरी की पूरी पावर दे दे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो वी हैव टू राइट दिस आंसर फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स ठीक है। फाइन, तो ये आंसर को इस 4 पॉइंट को लिखना है और अच्छे से लिखना है ठीक है, तो इसलिए हमको चेंज चाहिए, हमको ये भी लिखना है कि कुछ चेंज तो हुआ है, अभी दूसरा पॉइंट, कुछ चेंज तो हुआ है, अब क्या चेंज हुआ है, सो डिस्पाइट सम डिफेक्ट्स वी कांट डिनाई दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विथ इंटरवेंशन लाइक मेकिंग द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेन सिंपल देन द लीगलिज, मतलब लीगल लीगल टर्म से थोड़ा बेटर है, कॉन्स्टनिंग ऑटोक्रेटिक विम्स ऑफ गवर्नमेंट समटाइम्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग देम टू प्रॉपर रोल लाइक प्रोटेक्शन लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स, लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी बिजनेस, मेकिंग डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड डीपीएसपी इज इनफोर्सेबल, एग्जाम्पल दो, गिव एग्जाम्पल, मनरेगा, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूरा, यू आर गिवेन नॉन एग्जाम्पल, बस डायलॉग अच्छा है, बट यू आर राइटिंग वेरी गुड लैंग्वेज बट नो एग्जाम्पल्स, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, एग्जाम्पल्स दो, गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू स्टेट्स इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, अगेन एग्जाम्पल, वेयर वे आर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू स्टेट्स इन प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, फिर एग्जाम्पल दो, कहां पे, जीएसटी पास करने में ठीक है, अदरवाइज विल नॉट गेट मार्क्स ठीक है। वी कैन हैव
कॉन्स्टर्निंग ऑटोक्रेटिक विम्स ऑफ गवर्नमेंट समटाइम्स, कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट्स में पूरी तरीके से आप कर नहीं सकते, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को टच नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं कर सकते। ओब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये पूरी तरीके का आंसर होना जरूरी है। फाइन, वी कैन हैव मोर रिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन। एक सेकेंड, यस, वी कैन हैव मोर रिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिबेट्स आर्ग्यूमेंट्स। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। वी कैन हैव मोर रिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिबेट्स आर्ग्यूमेंट्स कंपटीशन एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, बट वेल डूइंग सो द गोल्डन थ्रेड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी हार्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कशन किया, जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो ऑलवेज कीप इन माइंड, विल गिव सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम साइड में जो लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये आंसर में आप लैंग्वेज अच्छा लिखे हो, मतलब कोहरेंस भी अच्छा है, सब कुछ सही है, बट इट इज ए क्वेश्चन विच इज मतलब सोल नहीं है क्वेश्चन में। आप लिखे बहुत अच्छे हो, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है, तो इस पे एग्जाम्पल की मिसिंग हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का चेंजिंग कॉन्टोर्स देखेंगे, कैसे चेंज हुआ है, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज और अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, और 1-2 साल पहले हमने, 3 साल पहले मेरे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आया था। तो अभी मतलब हम चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल की बहुत जरूरत है। यू हैव टू जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स, सिर्फ डायलॉग्स लिखने से मार्क नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप इन 1946, स्क्रिप्टेड और कलेक्टिव विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंडीड नॉट लेस देन कार्निवल इटसेल्फ। द फाउंडेशन ऑफ दिस लिविंग डॉक्यूमेंट हैज बीन अडॉर्न्ड विद वेरियस प्रिंसिपल्स, वन सच इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दो इज नॉट यूज इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स, बट इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट इन प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स एडहेरेंस टू और बीइंग फेथफुल टू बॉटम लाइन प्रिंसिपल, बॉटम लाइन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वलिटी। ठीक है, नाउ आपने डिफाइन कर दिया। नाउ चेंजिंग कॉन्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी इज अ कमिटमेंट टू इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन विच बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड, बट दिस फ्रेज ऑफ मोरलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन लेस देन 10 टाइम्स टिल 2010। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी मीन्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो कर रहे हो मोरली, मतलब उसके सोल को कैसे टच कर रहे हो या फिर एडहर कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई मुझे पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो फ्लॉज है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज को भी फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो सोल है जो कि दिखता नहीं है उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। एग्जाम्पल अगर दूंगा, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में वुमेन का एंट्री नहीं था सालों से, कुछ खराब नहीं है क्योंकि आर्टिकल 25, 26 में तो लिखा है यू कैन प्रोफेस योर ओन रिलीजन, आप रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 21 ये भी लिखा है कि डिग्निटी भी जरूरी है, आर्टिकल में ये भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की जरूरी है, आर्टिकल 15 इक्वालिटी भी है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को देखूंगा कि उसका सोल को देखूंगा, बड़ा कौन है, इम्पोर्टेंट कौन है, डिग्निटी बड़ा है या रूल बड़ा है। ठीक है, तो वो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का मतलब, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो। ठीक है, इन द ईयर 2018 अलोन इट वॉज यूज इन मोर देन 10 रिपोर्टेड केसेस बाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एज पर बी आर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। ये एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं, ये नेचुरली नहीं आएगा, क्योंकि आप व्हेन यू रीड अ कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फॉलो द सिंपल प्रोविजन, राइट। आप उसके मोरल वैल्यू को तब भी कर पाओगे व्हेन यू कल्टिवेट योर मोरल वैल्यू, अगर आप उस पे लाइक यू हैव टू डेवलप दैट मोरलिटी इनसाइड यू, देन ओनली यू कैन डू इट, हैज टू बी कल्टिवेटेड। एंड फॉर दैट डीप मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टिल वी हैव मेनी इमर्जिंग केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। इन सबरीमाला वर्डिक्ट, वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट बाईपास द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, इट वेंट अगेंस्ट द सोशल मोरलिटी, आर्टिकल 25 26। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इट वेंट अगेंस्ट द सोशल मोरलिटी दैट डिस्क्रिमिनेट्स वुमेन अगेंस्ट बायोलॉजिकल रीजन लाइक मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया। और क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, ये भी है, ये भी है। हम यहाँ पे मोरल चीज देख रहे हैं, जो हम सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइजेशन का जो केस हुआ था, केस का नाम लिख दो, नवतेज सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी एंड ऑल जेंडर नॉन कंफॉर्मिंग पीपल टू देयर डिग्निटी लाइफ एंड लिबर्टी। वेरी गुड। और एक भी है, नास फाउंडेशन केस, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी शुड प्रिवेल एंड नॉट पब्लिक मोरलिटी, दस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज टू बी इफेक्टिव, डायनामिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज पॉसिबल इफ इट गोज ऑन द बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। ठीक है, यहाँ पे और एक भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हेलो यस, सर, कैन वी पुट द स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी इन दिस? राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो यू कैन पुट। देखो, मैं एक बार यहाँ पे बोलने की कोशिश करता हूँ, हर केस में कॉन्स्टिट्यूशन, हर केस में ध्यान से सुनो ये चीज, जितना भी बहुत सारे केस हुए हैं, एवरी केस में सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट यूज्ड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक चीज, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तरफ एक इशारा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मोरालिटी, फॉर एग्जाम्पल आप केशवानंद भारती केस भी लिख सकते हैं, आप केशवानंद भारती केस भी लिख सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एडहर हुआ है, बिल्कुल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट हुआ है उसमें। आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे भी डेमोक्रेसी को अफेक्ट हुआ, मतलब प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे भी सोशलिज्म को वो किया है, प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी में भी लिख सकते हैं, वहां पे भी एक मोर, देखो द पॉइंट इज राइट टू प्रिवेसी उतना डायरेक्टली टच नहीं करते इस मीनिंग, जो क्वेश्चन के डिमांड को, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू फ्रेम द सेंटेंस, हाउ यू फ्रेम द सेंटेंस। ये जो तीन एग्जांपल है दीज आर स्पॉट ऑन, मतलब डायरेक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी में है। बाकी यहाँ पे अगर कोई एड ऑन करेगा तो आई विल एड ऑन दिस, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का चीज देख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, ये लोगों का है, लोगों के लिए है, यहाँ पे स्टेट आके कुछ नहीं कर सकता, आप थोड़ा बहुत पावर स्टेट का भी रोका गया है। ठीक है, उसका जो आर्बिट्रनेस को रोका गया, इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया जहां पे आप टच नहीं कर सकते उसका। ओके, गॉट इट अभिजीत? ठीक यस सर, यस सर, गॉट इट, है, यस सर। नेक्स्ट।
ओके, एक क्वेश्चन GS2 में कंफर्म आएगा, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ फॉरेन एनी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, आप क्वेश्चन पेपर देख लो, हर साल एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो और कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट, मतलब रिलीजियन एंड गवर्नमेंट। कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट हाउ सेकुलरिज्म इज व्यूड एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, ओके, एंड फ्रांस। तो बेसिकली फ्रांस मतलब यहाँ पे वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। बेसिकली द क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ये क्वेश्चन 2018 में व्हेन आई रोट मेंस, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और हमारा सेकुलरिज्म के बीच में डिफरेंस लिखो। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में फ्रेंच भी आता, फ्रेंच ट्रेडिशन भी आता है उनका सेकुलरिज्म, यूएस का भी आता है सेकुलर, सब स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वहां पे, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते हैं, पहले आंसर देखते हैं। सेकुलरिज्म इज इन जनरल अंडरस्टैंडिंग इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। बिल्कुल, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब हमेशा याद रखना, टू सिंपल लाइन्स। मैंने सेकुलरिज्म क्वेश्चन कम, आपको बस दो सिंपल लाइन लिखना है, वन इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन एंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये है रियल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि वेस्टर्न मत वेस्टर्न वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। पॉलिटिक्स में जहाँ पे स्टेट स्टेट और रिलीजन का हमेशा अलग रहेगा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म इन जनरल अंडरस्टैंडिंग इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज कंसिडर्ड प्योरली ए पर्सनल मैटर, ये सब वेस्टर्न में है। ठीक है, ओके, हाउ एवर सेकुलरिज्म हैज इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड शेप देयर सोशियो कल्चरल हिस्ट्रीज। इंडियन एंड फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? अब डिफरेंस थोड़ा लिखना है। फ्रेंच सेक्युलरिज्म फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी। इट इज द फ्रीडम ऑफ सिटीजन एंड ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन। वेल, इंडियन सेक्युलरिज्म इज एन एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्व धर्म संभव, विच मीन्स इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन क्या है? स्टेट एंड रिलीजन मतलब स्टेट हियर मीन्स गवर्नमेंट। वेल, फ्रेंच सेकुलरिज्म एम्फसाइज ऑन ए स्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, दैट इज चर्च एंड द स्टेट। इंडियन सेकुलरिज्म रन्स ऑन प्रिंसिपल डिस्टेंस, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल डिस्टेंस रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा, वेयर स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन ओनली वेन इट इज ऑप्रेसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी। यस, जैसे कि आपका सबरीमाला केस ले लो, सबरीमाला केस भी तो डिस्क्रिमिनेटरी था, एक पर्टिकुलर टाइम पे वुमेन को एंट्री करने नहीं देता था, डिस्क्रिमिनेटरी था। ट्रिपल तलाक देख लो, ट्रिपल तलाक भी डिस्क्रिमिनेटरी था टुवर्ड्स वुमेन, तो उसको भी हटाया गया। तो स्टेट कैन इंटरफेयर इन इंडियन फॉर्म और आवाज हमारे साइड के जो सेकुलरिज्म में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजन, इन फ्रांस देर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इन इंडिया वी हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है हमारा फंडामेंटल राइट्स। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट, इज नॉट एब्सोल्यूट, वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद राइट टू रिलीजन, फ्रेंच सेक्युलरिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज वंस राइट टू प्रोफेस रिलीजन, वाइल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस राइट टू प्रोफेस प्रोपगेट प्रैक्टिस रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, बेसिकली सब सेम है, लेकिन आप ब्रांच आउट करके कैसे लिख रहे हो। ठीक है, इसका जो कोर है वो सेम है, एक ही चीज है कि एक जगह स्ट्रिक्ट है, एक जगह स्ट्रिक्ट नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स एंड आइडेंटिटी, वेल फ्रेंच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कल्चरल असिमिलेशन, इंडियन सेकुलरिज्म थ्राइव्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, जो कि 29-30 एंड एनेबल देम टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है
वहां पे एक पूरा ओवरऑल कल्चरल असिमिलेशन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी, मतलब हमारे, दिस इज द प्रॉब्लम इज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, वी हैव एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, सो वी नीड दिस, हमको जरूरत है। फ्रांस में और यूएस में इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट नीडेड वहां। तो हम इसमें कंपेयर जब करेंगे, हम अपना एनालिसिस देंगे, कंपेयर जब करेंगे ना, हम कंपेयर करने के बाद एक लाइन एंड में आई एक्सपेक्ट की दी आंसर में एंड में एक एनालिसिस हो कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है, या तुम्हारा ओपिनियन क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ जरूरी है बिकॉज हमारा डाइवर्स ही इतना है, वहां पे जरूरी नहीं है बिकॉज वहां पे नॉट डाइवर्स कम्युनिटीज आर नॉट दैट डाइवर्स एज पर इंडिया, सो वी नीड इट, दे डोंट नीड इट। ओके, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक फ्रेंच वन प्रोवाइड्स प्रोविजंस विच डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिवली एंड फेवर्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल माइनरिटीज लाइक आर्टिकल 20 एंड 30। ठीक है, ये रिपीट लग रहा है, उसी में ऐड करो, जस्ट एड इट इन द प्रीवियस पॉइंट ना, उसी में जस्ट एड ऑन कर दो कॉमा करके, लाइक इंडिया डिज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वहीं पे फुल रिपीट पॉइंट है, नो सो नो नीड इट। Thus, Indian secularism is accommodative where one religion is equally respectful while secularism is the complete, French secularism is the complete separation. ठीक है, but where is your opinion? अभी तक आंसर बहुत अच्छा था, लेकिन where is your opinion? आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक है, ओपिनियन क्या दोगे यहाँ पे? ओपिनियन यू हैव टू गिव, एंड में जब आप कंक्लूड करोगे आंसर को, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू हैव टू गिव, सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डज नॉट नीड वे फॉरवर्ड, यहाँ पे वे फॉरवर्ड जरूरी नहीं है, वहां पे, यहाँ पे कंक्लूजन में योर ओपिनियन जरूरी है, योर ओपिनियन की जरूरत है। तो ओपिनियन क्या करोगे यहाँ पे? आपको वही चीज लिखना है जो डाइवर्सिटी का पॉइंट लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इंडिया, और ऐसे करोगे फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, द इंडियन फॉर्म ऑफ, द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज द एप्ट वन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम डाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं तो हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर नहीं सकते, अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रेंच की तरह करेंगे तो हर कम्युनिटी के लोग झंडा लेके आ जाएंगे कल कि हाँ ये हमारा है, हमारा ही राज चलेगा, वैसा नहीं होगा। तो वहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस जरूरी है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, वेयर स्टेट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, दिस इज नॉट द केस विथ फ्रेंच और फ्रांस where the communities are not that diverse. आंसर खत्म। तो यू आर गिविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज रिमेंबर योर आंसर शुड लुक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, ऑलवेज थिंक यू आर अ ब्यूरोक्रेट। तो आप आंसर जब लिख रहे हो कंपेयर, ठीक है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर दिया आपने, सो बट वेर इज योर व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट से ही विल बी सिलेक्टेड। ऊपर का जो लिखा वो है नॉलेज, ऊपर ने जो आपने लिखा वो है नॉलेज, ये जो आप लिख रहे हो वो आपका व्यू पॉइंट, आप सोच क्या, आपका सोच क्या है, तभी जाके सिलेक्शन होगा ना, आपका सोच के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
ओके, समझ में आ गया सबको? अभिजीत समझ में आया? यस सर। ओके, तो इस तरीके का एक सेकुलरिज्म क्वेश्चन रहेगा। तो ऑलवेज ये जो मैंने व्यू पॉइंट बताया इसको एज अ टेम्पलेट करके रख दो, यूज करना है इससे में करना, या फिर GS1, GS2, GS1 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इलेक्टोरल सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया एंड ब्रिटेन। इसे भी एक आ सकता है, कंपेयर तो आएगा ही, एक कंट्री का और दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर एक क्वेश्चन आएगा। ओके, इलेक्टोरल सिस्टम को कंपेयर करेंगे किसका, इंडिया का और ब्रिटेन का। इंडिया बीइंग एन एक्स कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन हैज इम्बाइब्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दो देर आर ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज लाइक पास्ट पास्ट द पोस्ट, ये पता है हमको, पार्लियामेंट्री एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, ये भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ये हमारा सिस्टम इलेक्शन का सिस्टम है। देर आर डिफरेंस एज वेल इन बोथ द इलेक्टोरल सिस्टम, कॉमन तो है ही, ये सब कॉमन है इंडिया ब्रिटेन के बीच में, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। तो क्या डिफरेंस है? इंडिया यूजेस ईवीएम सिंस 1998, पर बैलेट बॉक्सेस आर स्टिल यूज इन इंग्लैंड। बहुत बड़ा पॉइंट है, उनका अभी भी बैलेट बॉक्सेस चल रहा है। क्लीन सिस्टम ऑफ इलेक्शन विथ मोर पब्लिक ट्रस्ट, नो वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, नो रिगिंग, नो आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड। यूके इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस, रिमेंबर। आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं चाहिए, नो इलेक्ट्रल रोल्स एक्सेट्रा, और ये सब हमारा यहाँ पे उल्टा है। एंड इंडिया इज अक्यूज ऑफ किलिंग द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, पोल डे इज नॉट ए हॉलीडे, पोल डे इज नॉट ए हॉलीडे इन यूके। यूके इलेक्शन हैव कंप्लेंट ऑफ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ बैलेट पेपर्स, ये एक है। बट हियर आवर इलेक्शन मैनेजमेंट डिस्पाइट सम प्रॉब्लम्स लाइक माउस इंसर्जेंसी एक्सेट्रा इज क्वाइट फेल्स है, ठीक है। दस डिस्पाइट बीइंग द सेम इलेक्टोरल मॉडल द अबव मार्क डिफरेंसेस क्रिएट ए कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो एक कंपैरिजन आप अपने नोट्स में, मैं बता देता हूँ किस किस का करना है। इंडिया यूके, इंडिया यूएस, इंडिया जर्मनी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चारों का कर दो, कर ही रहे हो तो चाइना रशिया का भी कर लेना, इतना में कर लो, इतना से इलेक्ट्रल प्रोसेस, ठीक है। इनका डिफरेंस, इलेक्ट्रल प्रोसेस का क्या डिफरेंस है, ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिफरेंस है, दैट्स इट। इतने में ही एक क्वेश्चन आएगा, इतने टॉपिक्स है। एक दिन बैठो और खत्म करो इसको। नोट्स बनाओ, इसमें नोट्स ही काम आएगा, रफ नोट्स बना के रेडी रखो, उसी चीज को एग्जाम पे प्रोड्यूस करना है। एक क्वेश्चन आएगा इसका मेंस, प्रीलिम्स में टू डू कंपैरिजन, प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं आता है आजकल। और ये जब सर मैं भेज दिया, आप मेरे पास था। है ग्रुप पे भेज दिया, हाँ सर, हाँ भेज दिया सर। ठीक ठीक गुड ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ मोशन अवेलेबल विद द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। डू यू थिंक पार्टीशनशिप रेंडर्स प्रिविलेज मोशन इनइफेक्टिव एंड रिड्यूसेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मोशन के बारे में पहले लिखना है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपको लग रहा है कि अगर पार्टीशनशिप एक चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो अंडर प्रिविलेज मोशन, वो इनइफेक्टिव हो जाता है और मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को कम करता है। पहले तो मोशंस आर प्रोसीड्यूरल डिवाइसेस टू रेज और डिस्कशन इन द हाउस ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। जी, जो भी डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में वो मोशन के थ्रू ही होता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस अवेलेबल विद द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर वन प्रिविलेज मोशन,
पहला है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑपोजिशन अगेंस्ट द मिनिस्टर इन केस ही हैज मिसलेड द हाउस विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन। द पर्पज क्या है? सेंसियर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। तो प्रिविलेज मोशन एक मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है अगर वो मिसलीड किया है हाउस को फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेकंड इज सेंश्योर मोशन। इट इज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट ए मिनिस्टर और द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक पर्टिकुलर पॉलिसी के खिलाफ है, एक मिनिस्टर के खिलाफ हो सकता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है। कैन बी मूव ओनली इन लोअर हाउस। इट लोअर हाउस में हो सकता है। इफ इट इज पास्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाउंड टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर ये पास हो गया तो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोकसभा पे। अगर ये पास हो गया तो कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट कॉल अटेंशन मोशन। नाउ कॉल अटेंशन मोशन, हियर क्या होता है? एक मेंबर ऑफ द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर स्पीकर को लेके अटेंशन लाएगा। कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। कोई भी एक अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस हो गया तो उसका अटेंशन लाना जरूरी है स्पीकर के परमिशन के साथ। एडजर्नमेंट मोशन, हियर डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस इज रेज्ड एंड इफ एडमिटेड लीड्स टू सेटिंग असाइड नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर डिस्कशन। एडजर्न होता है, ठीक है। एक डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस रेज होता है यार, तो फिर नॉर्मल बिजनेस एडजर्न हो जाता है। कट मोशन, कट मोशन, दीज आर द मोशंस टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। खास करके जो बजट के टाइम पे ग्रांट्स के लिए जो डिमांड होता है, रिड्यूस द डिमांड। इट हैज थ्री टाइप्स, यहाँ पे जरूरत नहीं। जो थ्री टाइप्स के आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर वार्ड लिमिट है नहीं है तो जरूरत नहीं है। एक एक रुपए का कट होता है, ठीक है। वो जो बजट के टाइम पे जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, इफ इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ओके फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सबको पता होगा। मोशन ऑफ वांटिंग कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इंट्रोड्यूस करता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन इज कॉल्ड ट्रस्ट वोट। इट इज काउंटर बाय द गवर्नमेंट व्हेन इट वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स मेजोरिटी। इन रिसेंट टाइम्स जब नो पार्टी हैज हैड ए क्लियर मेजोरिटी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर हु ही बिलीव दैट। मतलब प्रेसिडेंट किसी को भी बोलेगा आ जाओ, ठीक है, और बोलते अगर अपना ट्रस्ट वोट दिखाओ यहाँ पे, और मतलब देखते हैं कि कॉन्फिडेंस है या नहीं। उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस मोशन होता है और इसको बोलते हैं ट्रस्ट वोट, ठीक है। नाउ प्रिविलेज मोशन एंड पार्टीशनशिप का जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, देर इज अ मोशन अगेंस्ट ए मिनिस्टर इफ ही और सी ब्रीचेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच होता है तो मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक मोशन पास होता है। द लैक ऑफ क्लियर रूल्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आज तक कोडिफाई नहीं हुए हैं, नॉट कोडिफाइड, ठीक है, और कोडिफिकेशन पे हैज लेड टू इट्स अब्यूज एंड मिस यूज। इट हैज बीन यूज एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला गवर्नमेंट प्ली टू विदड्रॉ क्रिमिनल केस अगेंस्ट इट्स एमएलए होता है, बिकॉज कोई लॉ नहीं। कोडिफाइड मीन्स कोई लॉ नहीं है अभी तक। ये अलग अलग सोर्सेस से आया है, थोड़ा बहुत ब्रिटिश सोर्सेस से आया है, थोड़ा बहुत कन्वेंशन से आया है, ठीक है। ना वे फॉरवर्ड क्या है? गिवेन द नंबर ऑफ सच केसेस मिस यूज ऑफ प्रिविलेज मोशन, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को पहले तो कोडिफाई करना पड़ेगा। एक लॉ के थ्रू कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। कोडिफाई करो, कोर्ट भी इंटरफेयर करना चाहिए टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेटर। कोर्ट को भी प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देने की बहुत जरूरत है, ताकि क्लैरिटी मिले सरकार के लिए, ठीक है। लेजिस्लेटर शुड नॉट एक्ट विद इन पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इम्पोज ऑन देम। लेजिस्लेटर्स इंडल्जिंग इन वैंडलिज्म और मेहम कैनॉट क्लेम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये सब चीज इसी कोडिफिकेशन में लाना चाहिए। सो दीज टू पॉइंट आर इनफ, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये सब पॉइंट हम अगर कोडिफिकेशन के अंदर ले आएंगे तो बात खत्म।
ठीक है फाइन। नेक्स्ट। ओके, न्यूज़ में है ये वर्ड गुबर्नेटोरियल प्रोस्क्रेस्टिनेशन और गुबर्नेटोरियल डिस्क्रिशन बोलते हैं इसको, क्या है? मैं पहले भी क्लासेस में सब पढ़ाया था, एमसीक्यूज में भी किया था, लेकिन इसका मेंस एनालिसिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत टाइम से न्यूज में है। क्वेश्चन इज, गुबर्नेटोरियल प्रोक्रास्टिनेशन इज अनरीजनेबल, डिस्कस द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हाउ गवर्नर्स असेंट बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल एक्ट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ओके ठीक, जब हम गुबर्नेटोरियल डिस्कशन की बात करें, हम गवर्नर की बात करते हैं, ठीक है। इन रिसेंट मंथ्स अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट पास ए रिजोल्यूशन अर्जिंग द प्रेसिडेंट टू इंटरवीन एंड टू फिक्स ए टाइमलाइन फॉर असेंट टू बी गिवन टू बिल्स पास्ड बाय द असेंबली। टाइमलाइन, दिस इश्यू हैज कम फोर्थ एट अ टाइम व्हेन मेनी केसेस ऑफ गुबर्नेटोरियल इन एक्शन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर सर्कुलेट। ओके नाउ, गवर्नेटरी प्रोस्क्रिप्शन है क्या? देखो, आर्टिकल 200 में गवर्नर जब बिल रख सकता है, स्टेट का बिल रख सकता है, उसके पास क्या है उस टाइम पे? उसके पास ऑप्शन है, असेंट देगा या फिर विथहोल्ड करेगा, या फिर इसको सेंड इट बैक टू असेंबली और सेंड इट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। ये हमको पता है, जब बिल आता है 200 में तो प्रेसिडेंट, ये गवर्नर, ये तीन काम करता है। यहाँ पे नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नर टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ असेंट। ये सबसे बड़ा लूप होल है और यही प्रोक्रास्टिनेशन का ही पॉइंट है। क्वेश्चन आर्टिकल 200 का यही प्रोविजन के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है। गवर्नर हैज टू रेस्पॉन्ड अंडर आर्टिकल 20, बट कंप्लीट इनएक्शन ऑफ इंडेफिनाइट सिटिंग ओवर द बिल इज अनलीज। वो पूरा बैठ जाता है, क्यों? प्रॉब्लम इज गवर्नर है एजेंट का, किसका? सेंटर का। ये वहीं पे गवर्नर ये काम करता है जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस अलग है और सरकार अलग है, तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आती है। वहीं पे जहां पे गवर्नमेंट डिफरेंट है, वहीं पे गुबर्नेटोरियल प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है। ठीक है ओके okay. आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फ्रॉम इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ गवर्नर और प्रेसिडेंट एक्ट। ये भी एक दिक्कत आ रही है ना, गवर्नर कर रहा है, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, लेकिन कोर्ट भी नहीं कर पा रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही कोर्ट को पावर नहीं दिया है ये करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं काम करता है गवर्नर के पक्ष में, गवर्नर के इन एक्शन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, हमको डायमेंशन खोलना है इस क्वेश्चन का, ठीक है? अगर सर ये ये वाला पॉइंट हो, समझ में नहीं आया सर, कौन सा सर ये वाला वाला पॉइंट? पॉइंट सर यही वाला सर, आर्टिकल 361 का सर इसमें। आर्टिकल 361 कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि वो भी कुछ प्रोसीडिंग गवर्नर और प्रेसिडेंट के एक्ट के खिलाफ, उनके पावर के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। सर वो तो सेपरेट क्रिमिनल वाला होता है ना सर, और सिविल दोनों प्रोसीडिंग्स के सर वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए होता है सर। है, सिविल भी है क्रिमिनल भी है, दोनों है ना, एक में क्लियर कट हाँ है, एक पे समय है, तो वो हाँ कर सर नहीं सकते। सिविल प्रोसीडिंग से या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, लेकिन इनिशिएट तो नहीं कर सकता ना। अगर इस टाइम हाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग करेगा या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा? 361 में एग्जैक्ट 361 क्या बोलता है? कोर्ट एग्जैक्ट सर। हाँ सिविल प्रोसीडिंग्स या गवर्नर के खिलाफ उनका एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स कर नहीं सकता, हाँ या ना? सर वो सर मेनली सर सर केवल उनके लिए है ना, कि मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज दी गई है केवल कि सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में कोई केस में उनको पनिशमेंट नहीं होगी या फिर अरे इस। सिविल ऐसा नहीं है, उनके पावर जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट, कुछ पावर्स है ना उनका,
उनके पावर्स, एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स, वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके नहीं, खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकता, ठीक है? ओके सर। उनके पावर के खिलाफ, यहाँ पे वो कुछ कर रहा है ना, ये गवर्नर भाई कुछ कर रहा है ना, गवर्नेटर सो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो ये 361 कहने के एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, किसको? उनको गवर्नर एक को शील्ड, हाँ शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अगर खुल जाए, ये थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए इसमें, थोड़ा बहुत इसमें हो जाए, तो कोर्ट भी कुछ कर सकता है। यस सर, यस सर, ओके, समझ गए। हाँ सर, हाँ, कोर्ट भी कुछ कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उसको दबाव दे रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज अगर हेल्प करे तो एक चीज और उसको दबाव दे रहा है। तो थोड़ा बहुत दो से तीन पहलू खोलना है इस आंसर में, ठीक है? नेक्स्ट, गवर्नर बीइंग ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होल्ड सेंट्रल स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, गवर्नर सबसे बड़ा चीज है क्योंकि फाइनल एसेंट तो वो लेगा। विच गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन ही गिव्स असेंट टू द बिल। एनी काइंड ऑफ इनएक्शन बाई कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विल लीड टू मेहम। अनरीजनेबल एक्ट क्रिएट अनसस्टेनेबल कंडीशन इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, सो फ्यू रेमेडीज कैन बी टेकन टू अवॉइड दिस कंडीशन। क्या? तो मेन प्रॉब्लम हमने लिखा, इसको तुम शॉर्ट कर सकते हो, 250 वर्ड, 150 वर्ड है तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो, बात तो सेम ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो अमेंड होना चाहिए। प्रॉब्लम गवर्नर के ऑफिस में है, अगर गवर्नर ऑफिस सही हो जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है? तो पहला, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड टू ऐड वैलिड ग्राउंड्स ऑन व्हिच गवर्नर कैन विथस्टैंड द असेंट अलोंग विद द टाइमलाइन। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कहां पे वैलिड ग्राउंड होना चाहिए कि वो विथहोल्ड कर ही रहा है। चलो ठीक है, विथहोल्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन से ग्राउंड पे कर रहा है। तो पहले तो ग्राउंड पॉइंट, ऑन व्हिच ग्राउंड तो विथहोल्ड, हम ये से नहीं बोल सकते कि वो विथहोल्ड कर ही नहीं सकता, वैसे नहीं कह सकते, विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन कौन से ग्राउंड पे वो अपना मनमानी कर रहा है, टाइमलाइन भी नहीं है। तो एक टाइमलाइन दे दे तो और क्लैरिटी मिलेगी। प्लगिंग इन ऑफ वेरियस लूप होल्स लाइक रिजर्वेशन ऑफ बिल विथ प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट्स पॉकेट विथ ऑप्शन मस्ट बी ब्रॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इज नीडेड टू एलिमिनेट द फ्रेश कंफ्यूजन वेयर वेयर गवर्नर इज सिटिंग ऑन द बिल इंडेफिनेटली विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द ऑप्शन ऑफ आर्टिकल 200। तो ये दोनों सेम पॉइंट है, इन दोनों को एक साथ ले आओ, क्लब करो, लिखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट चाहिए, जुडिशियरी शुड इंटरफियर, और कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए जिसके तहत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है और वो प्रोविजंस को ऐड कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, डेथ पेनल्टी काफी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है, नहीं भी आ सकते, वी डोंट नो, बिकॉज काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, GS 1 में भी है, GS 2 में भी है। टाइम हैज कम टू एबोलिश डेथ पेनल्टी इन इंडिया बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, कमेंट। तो ये बात हो रही है कैपिटल पनिशमेंट की। कैपिटल पनिशमेंट रेफर्स टू अवॉइडिंग डेथ पेनल्टी टू द अक्यूज्ड बाई द कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर कमिटिंग क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, मास मर्डर, सेक्सुअल अब्यूज एक्सेट्रा। इट इज ए वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एंड एवरी पर्सन होल्ड्स डिफरेंट ओपिनियन चॉइसेस। जाहिर सी बात है, डेथ पेनल्टी में डिबेट आज भी है। इंडिया द कंट्री गारंटिंग ह्यूमन राइट्स हैज दिस प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट एज एन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट हीनियस क्राइम्स। सारे क्राइम्स में नहीं है, हीनियस क्राइम्स के खिलाफ हमारे पास डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन इंडिया में है। हियर इन इंडिया दिस कैपिटल पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है। कैपिटल पनिशमेंट इसी डॉक्ट्रिन पे है, मतलब वो बोले कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस पे होना चाहिए। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज एम्बिगुअस एज जगदीश भगवती सेड द लाइफ ऑफ एन ऑफेंडर डिसाइडेड बाय By the minds of bench is violative of the fundamental right as guaranteed by 14th and 20th.
तो वो जो ऑफेंडर का लाइफ है वो डिसाइड हो रहा है एक बेंच के ऊपर, तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है करके ये चीज एक करके है, ठीक है। तो इंडिया चोज रेस्ट्रिक्शंस ओवर एबोलिशमेंट, हीनियस क्राइम्स रिक्वायर डिटरेंस एंड हार्श डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल निर्भया दिल्ली केस डिमांडेड हार्शेस्ट ऑफ हार्श पनिशमेंट एज मैटर ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स। डेथ पेनल्टी स्टेजेस पासेस थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, गवर्नर, पार्डन, प्रेसिडेंट। सो इट इज अ वेल एविडेंस एनालिसिस बेस्ड एक्सरसाइज देन नॉर्मल वन। नॉर्मल नहीं है, बहुत ही डेथ पेनल्टी ये सब चीज पार होके जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने की जरूरत है। इंडिया फोकसेस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी। मोर ओवर रॉन्ग डूअर्स हैव राइट टू अपील अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 72 तो अलाउ करता है कन्विक्ट टू अपील इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जिसको हम राइट टू पार्डन बोलते हैं, डेथ सेंटेंस। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तो ये सब ऑप्शंस है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ कंडीशंस है, हमारे ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से एबोलिश कर दे। हमारा है पॉइंट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीका है या फिर कंडीशन है जहाँ पे जहाँ का यूज हो सकता है या फिर कर सकता है। दस इंडिया बीइंग अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडिया ये साइन किया है 1949 का। मैं इनकलकेट द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन लाइक फोकस ऑन रिस्टोरेटिव एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस, स्ट्रेंथनिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कंसिडरिंग द सरकमस्टांसेस टू अंडर विच क्राइम टुक प्लेस एक्सेट्रा, टू मेक दिस हार्श ऑप्शन ओपन ओनली इन अनकॉमन ह्यूमन इनह्यूमन केस। ठीक है, तो इस अगर का आंसर को एंड कर सकते हैं। तो डेथ पेनल्टी के नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूज में भी है और हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट में भी अवेलेबल है। बहुत सारे पॉइंट अब 250 वर्ड्स में आराम से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज दो अपहोल्डेड बाय सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लमेटिक। ईडब्ल्यूएस क्वेश्चन है, हाईलाइट द की क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। ओके, ये तो वर्डिक्ट हटा, 3-2 वर्डिक्ट हटा। अपहोल्डिंग द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस हैज गिवन द स्टैंप ऑफ लेजिटिमेसी टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशंस। हाउएवर द मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी जजमेंट्स, ये जो जजमेंट है ऑन द वेरियस क्वेश्चंस सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। पहले तो 50% सीलिंग का ब्रीच हो रहा है, पहले तो 50% सीलिंग का ब्रीच हो रहा है जो कि हम इंदिरा सोनी जजमेंट में हुआ था, तो पहले वो लिखेंगे। ओके, मेजोरिटी डिफेंस देयर केस बाय सेइंग दैट 50% कैप इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। हो रहा है कि 50 अभी और 10% हो गया तो नियरली 60% हो गया, एंड डज नॉट ब्रीच बेसिक स्ट्रक्चर, वाइल माइनॉरिटी पुट इट एज फैक्टर लीडिंग टू कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड राइट टू इक्वलिटी एज राइट टू रिजर्वेशन, टेकिंग अस बैक टू चंपकरण दोरा राजाई दोराई राजन केस। ओके, क्रिटिक्स कंसिडर एक्सक्लूजन ऑफ एस सी एस टी जो इकोनॉमिकली दिस बैकवर्ड क्लासेस आउट ऑफ दिस परव्यू एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूजनरी एक्सपेक्टिंग इक्वालिटी केस। ठीक है, ब्रीच ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन एजुकेशन अंडर क्लास एज 46 रेफर्स टू एडिक्वेट क्लास नॉट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ओके, तो आप यहाँ पे जो पॉइंट कर रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रिजर्वेशन इन एजुकेशन को क्लास के अंडर ला रहा है, फोर्टी सिक्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब आप एजुकेशन और इकोनॉमिक के अगेंस्ट में डायमेंशन दे रहे। ठीक है, वेरी गुड। मे लीड टू शिफ्ट फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू क्लास बेस्ड इक्वालिटी। ठीक है, यस, फर्दर फ्रेगमेंटेड सोसाइटी यूज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इट कैन फर्दर फ्रेगमेंट द सोसाइटी, इट कैन फर्दर फ्रेगमेंट द सोसाइटी
और रिजर्वेशन फिर और ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी यूज हो सकता है। हैविंग सेड दैट रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म एंड ऑन एनी बेसिस मस्ट बी टेम्पररी टिल द टाइम पर्टिकुलर क्लास और कास्ट रीच टू ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल इन द सोसाइटी। वी मस्ट पे मोर अटेंशन टू सोशल कोहेजन एक्सक्लूजन इक्वालिटी एंड रैशनैलिटी बाई प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी। ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट डिसरप्शन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज आर रूटेड इन एंटी डिफेक्शन लॉ एंड मनी बिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके एंटी डिफेक्शन लॉ एंड मनी बिल्स। ओके सो एंटी डिफेक्शन पहले तो नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट एंटी डिफेक्शन में क्या इश्यूज है मनी बिल्स में क्या इश्यूज है। अगर ऐसे ही अब क्वेश्चन को देखा जाए तो एंटी डिफेक्शन में क्या इश्यू है। एंटी डिफेक्शन में बहुत सारे इश्यूज है। पहले मैं रफ में बोल देता हूँ क्या क्या इश्यूज है फिर हम आंसर पढ़ेंगे। ओके तो एंटी डिफेक्शन में दीज आर द इश्यूज इन एंटी डिफेक्शन। पहला तो बायसनेस ऑफ स्पीकर कि स्पीकर है तो वो रूलिंग पार्टी का ठीक है तो वो रूलिंग पार्टी का ठीक है बायसनेस ऑफ स्पीकर। नो टाइम लिमिट ठीक है टाइम लिमिट नहीं है। अब जब बायसनेस हो रहे सो ही विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिज ओन नॉट टेक एक्शन वेटो हो जाएगा टाइम लिमिट नहीं है रखेगा बस। नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिज ओन पार्टी मेंबर्स ठीक है। और क्या है मर्जर हो जाता है। सो द मर्जर प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज मिस यूज। ठीक है तो ये बेसिकली प्रोविजन से एंटी डिफेक्शन का प्रॉब्लम्स है। सॉल्व कैसे होगा। रिसेंट एक केस हुआ था मेघा चंद्र केस मेघा चंद्र सिंह केस 2020 मणिपुर में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल लाओ बेटर टू ब्रिंग ए इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल टू हैंडल एंटी डिफेक्शन केसेस। ठीक है या फिर एक कमिटी लाओ और थ्री मेंबर कमिटी लाओ जहाँ पे सीजीआई रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट जज लाओ या फिर फोर मेंबर कमिटी अपने हिसाब से राइट। जैसे सीबीआई का डायरेक्टर सीबीआई का वो होता है या फिर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सिलेक्शन होता है कमिटी से तो सभी हो सकता है। स्पीकर को हटाओ स्पीकर की जगह ये सब चीज करो ठीक है। ओके अब आंसर देखते हैं। पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज हैज बिकम अ पेरिनियल प्रॉब्लम रिक्वायरिंग फ्रूटफुल डिस्कशन एंड पॉजिटिव चेंज। एंटी डिफेक्शन एंड डिस्ट्रप्शन दो दिस लॉ हैज ब्रॉट टू ब्रिंग डाउन पॉलिटिकल डिफेक्शन बट ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिसऑनेस्टी एंड करप्शन पॉलिटिशियंस फाउंड लूप होल्स इन दिस लॉ एंड यूज इट फॉर ओन बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट महाराष्ट्र सिनेरियो ठीक वेरी गुड। दिस लॉ डज नॉट मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन डिसएग्रीमेंट एंड डिफेक्शन। यस इट कर्व्स लेजिस्लेचर राइट टू डिसीजन क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके ऊपर डिफेक्शन भी लग सकते तो आपका डिसेंट करने का भी हक नहीं है।
ये दोनों पॉइंट एक है, ठीक है। क्लब इट इट कर्व्स द लेजिस्लेटर्स राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। तो यहाँ पे रोल ऑफ पार्टी, व्हिप जो बोलेगा वही होगा। अगर आप व्हिप की बात नहीं मान रहे हो तो 15 डेज पहले आपको करना पड़ेगा। इरेशनलिटी इन डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल डिफेक्शन एंड ग्रुप डिफेक्शन। इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर। काफी इलॉजिकल प्रोविजन है। मेन प्रोविजन आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ओके क्रिटिसिज्म ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड अपॉन डिफेक्शन केस एंड हिज और हर पार्शियलिटी ड्यू टू पॉलिटिकल एलिजी, जो कि अनबायस जो बायस्ड बिहेवियर है। प्रमोट्स हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ लेजिस्लेचर वेल गोज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड दस डिस्टर्बिंग। देखो प्रमोट्स हॉर्स ट्रेडिंग जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे लिखो कैसे, दैट 2/3 मर्जर प्रोविजन, ठीक है, विच इज अलाउड, वो लिखो। इट इज प्रोविजन मेंशन इन एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिच इज मिसयूज्ड, वो लिखो। इसीलिए वहीं पे तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना। ओके अभी आते हैं, और टाइम लिमिट भी नहीं है, वो भी लिख देना। जो पॉइंट्स मैंने बोला है 4 पॉइंट, उसके साथ ये पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ इशू ऑफ मनी बिल, इशू ऑफ मनी बिल और ट्रिकरीज ऑफ मनी बिल, ठीक है। पासिंग ऑफ मनी बिल ओनली लोअर हाउस, सिर्फ लोअर हाउस से होता है, नॉट मैंडेटरी प्रोविजन टू फॉलो द अमेंडमेंट्स सजेस्टेड बाय अपर हाउस, इज बीइंग मिसयूज्ड, इट इज यूज्ड एज ए बाईपास मेथड। आधार एक्ट वैसा ही हुआ था, दो सही था, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑपोजिशन वालों ने कोर्ट, दे वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट आधार एक्ट एज मनी बिल, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू पीएमएल एक्ट, तो मनी बिल के थ्रू ही वो कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन लेजिस्लेशन एज मनी बिल एक्ट एज एन असॉल्ट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स और ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लैक ऑफ रोल ऑफ राज्यसभा मेक्स मनी बिल प्रोसेस अ डिसरप्शन, तो एक काइंड ऑफ डिसरप्शन भी होता है। तो डेमोक्रेसी इज जज्ड बाई द डिबेट, इट एनकरेजेस एंड सस्टेंस। मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। रेमेडीज लाइक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, जैसे कि मैंने बोला मेघा चंद्र केस, यस केशव मेघा चंद्र केस उसका पूरा नाम है। पार्टी शुड लिसन टू द ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ओवर व्हिप, प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी भी जरूरत है। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड वेदर ए लेजिस्लेटिव कुड पास ऑन ए मनी बिल विथ सर्टन रिक्वायरमेंट्स। मैंडेटरी रोल ऑफ राज्यसभा, मनी बिल में कर दो ना, मैंडेटरी कर दो, क्या दिक्कत है, हर चीज में अगर हो ही रहा है, नॉर्मल बिल्स में हो, व्हाई नॉट मनी, व्हाई नॉट दिस। सो मैंडेटरी रोल ऑफ राज्यसभा चेक टू कंट्रोल मिस यूज ऑफ मनी बिल्स बाय गवर्नमेंट। पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स लाया जाए टू मॉनिटर द डिसरप्शन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। विथ फ्यू इनोवेशन एज स्टेटेड अबव, discussions over disruptions can pave the way towards strengthening parliamentary democracy. देखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। हम टेस्ट नंबर ये 14, 13 था, 14 एंड 15, मोस्टली 14, 15 कल ही करेंगे। कल दो क्लास होगा, एक इवनिंग में इसी टाइम होगा और एक इवनिंग में होगा। एंड शिवानी योर 15th टेस्ट विल बी चेक।